Hello guys, I'm your friend CA Devesh Thakur. In today's video, we are going to discuss GSTR-2B, which is an auto-drafted input tax credit statement. As name suggests, draft report है ये final report नहीं है. ये जो draft हमारा तैयार होगा GSTR-2B का, वो किस base पे होगा? On the information furnished by the supplier in their respective GSTR returns. जो कि GSTR 1 हो सकती है, which is applicable for our normal taxpayers, GSTR 5 है, in case of non-residents, and GSTR 6, which is applicable for ISD, Input Service Distributors. इस GSTR 2B का, as a taxpayer, हमारे को benefit क्या मिलेगा? हम अब अपना data reconcile कर सकते हैं, with our records, our books of accounts. इस reconciliation से, अब हम अपनी GSTR 3B में जो ITC क्लेम कर सकते हैं उसको अब मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम उसको क्लेम कर पाएंगे. इस रिकंसिलिएशन से हमारे को जो मेजर बेनिफिट्स होने वाले हैं, हम किसी भी इनवॉइस का डबल क्रेडिट नहीं लेंगे. नो क्रेडिट इज टेकन ट्वाइस. रिकंसिलिएशन का सेकंड बेनिफिट क्या है? क्रेडिट इज रिवर्स्ड एज पर द लॉ. जहाँ जहाँ हमने अपना क्रेडिट रिवर्स करना चाहिए एज पर दी लॉ, हम वो भी करेंगे. टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इज पेड. जहाँ हमारी रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, हम उसको रिकनसाइल करेंगे और उसको टाइमली पे भी करेंगे और उसका क्रेडिट भी अवेल करेंगे. ये है गाइस हमारी GSTR 2B ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है समरी और एक है डिटेल्ड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समरी रिटर्न को. समरी ऑफ आईटीसी अवेलेबल एज ऑन द डेट ऑफ इट्स जनरेशन. हम जिस दिन ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस दिन तक की हमारे को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगी. अब जीएसटीआर 2B की जनरेशन के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं. गाइज, ये जो स्टेटमेंट हमारी जनरेट होगी वो मंथ में एक ही बार जनरेट होगी, ऑन 12th ऑफ द फॉलोइंग मंथ. समझते हैं कि 12th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ये कैसे कवर करता है पीरियड को. इफ यू हैव जनरेटेड स्टेटमेंट ऑन 12th ऑफ अगस्त 2020. हम सपोज करते हैं कि 12th अगस्त 2020 को हम अपनी GSTR 2B की रिपोर्ट को जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें जो टाइम पीरियड कवर होगा वो होगा 12th जुलाई रात के 12 AM से लेकर टिल 11th ऑफ अगस्त का 11:59 PM तक. ये इस टाइम फ्रेम के बीच में जितना भी डाटा अवेलेबल होगा वो हमारा 12th ऑफ अगस्त की जनरेटेड स्टेटमेंट जो कि GSTR 2B है उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा. अब एक सेकेंड सिनेरियो लेते हैं. सपोज एक सप्लायर है, उसने हमारा इनवॉइस नंबर जो उसने काटा था वो 11th ऑफ अगस्त को उसने सबमिट किया. इन केस अगर वो 11th ऑफ अगस्त को वो इनवॉइस चढ़ाता है अपनी GSTR 1 में, तो वो हमारी जुलाई की GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेगा जो कि हम जनरेट करेंगे 12th ऑफ अगस्त को. लेकिन अगर सप्लायर ने इनवॉइस नंबर 1 अपनी GSTR 1 में फाइल किया है ऑन 12th ऑफ अगस्त 2020, इन दैट केस वो हमारी अगस्त की जब हम GSTR 2B जनरेट करेंगे ऑन 12th ऑफ सितंबर 2020, वो डाटा हमारे को उस जनरेटेड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा. जहाँ तक बात आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, ये रिपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आइस गेट सिस्टम का डाटा भी कंटेन करता है. इसमें वो डाटा इंक्लूड होता है जो कि इंपोर्ट फ्रॉम SEZ यूनिट्स या फिर डेवलपर हैं, लेकिन दिस विल बी मेड अवेलेबल इन GSTR 2B फ्रॉम 12th सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स. ये डाटा जो अवेलेबल होगा हमारे को GSTR 2B में वो 12th सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स अवेलेबल रहेगा. इन दिस केस यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डाटा है,
इस केस में अगर कोई रिवर्स चार्ज क्रेडिट है हमारा ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिमेंबर गाइस, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में कोई रिवर्स चार्ज क्रेडिट है, इन दैट केस वो डाटा इस रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं होता है, वो इस स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, हमें उसे मैन्युअली एंटर करना है इन टेबल 4A2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। रिवर्स चार्ज क्रेडिट ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड नीड टू बी एंटर्ड बाई टैक्स पेयर इन टेबल 4A2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। यह है गाइज हमारा टेबल 4 एलिजिबल ITC। 4A2 जो है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, यहाँ आपने एंटर करना है। फिर है गाइज टैक्स पेयर्स को जो फीचर मिलेगा वो अपनी जो GSTR 2B है उसको व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं इन एक्सेल एंड इन PDF फॉर्मेट। टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है वो सप्लायर्स की डिटेल यानी सप्लायर वाइज समरी देख सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल देख सकते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और ईमेल और SMS रिसीव होगा उनको जिस दिन वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे GSTR 2B की ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, उनको एक SMS रिसीव होगा फॉर द जनरेशन ऑफ GSTR 2B ITC स्टेटमेंट। ITC अवेलेबल अब हम डिस्कस करते हैं इन समरी टैब। इसमें अगर हम एक्सपेंड ऑल कर दें, यहाँ पे ऑल अदर ITC सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर पर्सन, आपका जो सप्लायर है जो रजिस्टर पर्सन है उसके B2B इनवॉइस की डिटेल, उसके B2B डेबिट नोट की डिटेल, B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट, हमारे सप्लायर ने जो प्रीवियस फाइल B2B इनवॉइसेस हैं उसमें अगर कोई अमेंडमेंट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हमारे ITC पे कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे को उसको अकाउंट करना है। देन है B2B डेबिट नोट्स, अगर हमारे किसी डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट हुआ है उसकी भी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। ऑल अदर ITC में इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव, यानी अगर पार्ट ए के फर्स्ट कॉलम का अमाउंट हमारा पॉजिटिव रहता है, इन दैट केस क्रेडिट में बी अवेल्ड अंडर टेबल 4A5 ऑफ फॉर्म GSTR 3। यहाँ आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे हमारी जो अमाउंट आ रही है ITC की वो पॉजिटिव फिगर है। इस पॉजिटिव ITC को हमने हमारे टेबल 4A5 ऑफ फॉर्म GSTR 3B में क्लेम करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये टेबल नंबर 4A5 कौन सा है। यह है गाइस हमारा टेबल 4 जो कि एलिजिबल ITC का है। इसमें टेबल 4A5 ये है हमारा ऑल अदर ITC, यहाँ पे आपने अपना ITC क्लेम करना है। इफ दिस इज अ नेगेटिव फिगर, इन केस अगर ये पॉजिटिव फिगर नहीं होके नेगेटिव होती है, देन क्रेडिट शैल बी रिवर्स अंडर टेबल 4B2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। आप याद रखें अगर आपको रिवर्सल करना है अपने ITC का तो मेनली हमारा 4B2 में होता है ऑफ GSTR 3B। मैं आपको दिखाता हूँ ये 4B2 कौन सा कॉलम है हमारा। यह है गाइज हमारा ITC का टेबल 4B2 जो कि अदर्स का है, यहाँ पे हमने उसको रिवर्सल करना है। देन है गाइज हमारा इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में जो इनवॉइसेस हैं और उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी। इफ दिस इज अ पॉजिटिव फिगर क्रेडिट मे बी अवेल्ड अंडर टेबल 4A4 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। क्रेडिट जो हमने अवेल करना है वो 4A4 में करना है। इन केस अगर ये नेगेटिव फिगर होती है, इन दैट केस हमारे को क्रेडिट को रिवर्स करना है जो कि हमारा टेबल 4B2 ऑफ 3B है। यानी अगर ISD का हमने ITC क्लेम करना है तो वो 4A4 में आएगा, अगर ITC को रिवर्स करना है देन 4B2। अब ये देखते हैं कौन सा कॉलम है। यह गाइज हमारा टेबल 4A4 इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD, यहाँ पे हमने क्लेम करना है हमारे क्रेडिट को एंड 4B2 में यहाँ पे हमने रिवर्स कर देना है।
नेक्स्ट है हमारा इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में बी टू बी इनवाइसिस, बी टू बी डेबिट नोट्स और इनके अमेंडमेंट्स, इनकी डिटेल्स आएंगी। दीज सप्लाईज शैल बी डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1D ऑफ फॉर्म GSTR 3B। इनवर्ड सप्लाईज जो हमारी रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल हैं उनकी डिटेल हमारी टेबल 3.1D में जाती हैं, और अगर इसका क्रेडिट हमें अवेल करना है वो हमारा 4A3 में हम क्लेम करते हैं। अब हम देखते हैं ये कॉलम्स। ये है गाइस टेबल नंबर 3.1। यहाँ पे 3.1D है हमारा इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे हम अपनी आउटपुट लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। पे करने के बाद हमने अब इसको क्लेम करना है इन 4A3 इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज अदर देन 1N2 अबव। यहाँ हम उस ITC को क्लेम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है गाइज हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, उसके अमेंडमेंट्स और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर कुछ इम्पोर्ट कराया गया है उसकी इनवॉइस की डिटेल और उसके अमेंडमेंट्स। इफ दिस इज अ पॉजिटिव अमाउंट देन क्रेडिट में बी अवेल्ड अंडर टेबल 4A1 ऑफ GSTR 3B। अगर ये नेगेटिव होता है देन 4B2 में हमने इसको रिवर्स कर देना है। यह है गाइज हमारा 4A1 इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे हमने ITC को क्लेम करना है और 4B2 में हमने उस ITC को रिवर्स कर देना है इन केस ऑफ नेगेटिव फिगर। नेक्स्ट हमारा गाइज पार्ट बी ITC रिवर्सल क्रेडिट मे बी रिवर्स इन रेलेवेंट हेडिंग इन GSTR 3B। अदर के केसेस में जहाँ पे हमारा B2B के क्रेडिट नोट्स हैं या उसके अमेंडमेंट्स हैं, क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज और उसमें अमेंडमेंट्स, और क्रेडिट नोट्स ISD के केस में और क्रेडिट नोट्स ISD के केस में जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर ये अमाउंट हमारा पॉजिटिव रहता है इन दैट केस हमारे को क्रेडिट को रिवर्स करना है इन 4B2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। यहाँ पे रिवर्स चलेगा क्योंकि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। रिवर्सल के केस में अगर पॉजिटिव होगा देन हमने रिवर्स करना है, इन केस ऑफ नेगेटिव देन हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द रिवर्सल ऑफ द सेम ऑन एन अर्लियर इंस्टेंस। अगर हमने पहले रिवर्स नहीं किया है तो हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव फिगर। यहाँ हमारी पॉजिटिव फिगर है, इन डैट केस हमारे को अब इसको रिवर्स करना है अंडर टेबल 4B2। यह है गाइज हमारा ITC अवेलेबल, देन है ITC नॉट अवेलेबल। ITC नॉट अवेलेबल में हमारे पास पार्ट ए में तीन कॉलम्स हैं, तीन रोज हैं हमारी, देन पार्ट बी में जो अदर्स था इसमें वो डिटेल्स आएंगी जिसका ITC हम क्लेम नहीं कर सकते। सच क्रेडिट शैल नॉट बी टेकन इन फॉर्म GSTR 3B। सच क्रेडिट शैल नॉट बी टेकन इन GSTR 3B। और रिवर्स चार्ज के केस में दीज सप्लाईज शैल बी डिक्लेयर्ड इन 3.1D ऑफ फॉर्म GSTR 3B फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, हाउ एवर क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द सेम। अगर यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है इन डैट केस हमने उस रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स तो पे करना है लेकिन उसका क्रेडिट अवेल नहीं करना है। पार्ट बी में जो अदर केसेज हैं, क्रेडिट शैल बी रिवर्स अंडर टेबल 4B2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। यहाँ जितना भी अमाउंट आएगा हमारे को उसको रिवर्स करना है अंडर टेबल 4B2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B। ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है हमारी जो कि सजेस्टिव है, इससे हमारे को रिकंसिलेशन ज़रूर करनी है ऑन मंथली बेसिस ताकि आप एक्सेस आउटपुट लायबिलिटी ना पे करें। देन है गाइज हमारा ऑल टेबल। ऑल टेबल में दो सिनेरियोज हैं, सप्लायर वाइज डिटेल एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स। इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सप्लायर का GST नंबर है, उसका ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, देन प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद वेदर सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, येस और नो।
देन टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस एप्लीकेबल जो भी रहेगा हमारे केस में वो इनपुट आएगा। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 का सप्लायर का पीरियड क्या है और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 उस सप्लायर ने फाइलिंग कब करी है उसकी डेट आएगी। आईटीसी अवेलेबिलिटी हमारे को अवेलेबल है, देन रीज़न, इन केस अगर कोई रीज़न है तो वो इधर रिफ्लेक्ट करेगा। आप इस एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। देन है गाइज हमारी सप्लायर वाइज डिटेल। सप्लायर वाइज डिटेल में सबसे पहले उसका जीएसटी नंबर रिफ्लेक्ट होगा, देन उसका ट्रेड नंबर, ट्रेड नेम, देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में उस सप्लायर ने हमारे नाम पे जितने इनवॉइस काटे हैं उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे। टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस, जीएसटी और 1 और 5 का उसका फाइलिंग पीरियड क्या है और किस डेट पे उसने फाइल किया है, ये सारी डिटेल्स हमारी ऑटो ड्राफ्टेड रिपोर्ट में अवेलेबल हैं जो कि स्टेटमेंट हम जनरेट करेंगे ऑन एवरी 12th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जो फॉलोइंग मंथ आएगा हमारा हम उसकी 12 तारीख को जनरेट करेंगे। यह है गाइज हमारा GSTR 2 भी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइज़।